पश्चिम बंगाल का शिक्षक घोटाला 8 साल पुराना है। साल दर साल शिक्षक विभाग में नौकरियां निकलती रही, लेकिन नौकरी उन्हें मिली जिन्होंने करप्ट सिस्टम की जेब भरी। मेरिट में आने वाले उम्मीदवार दरकिनार कर दिए गए। आरोप है कि पार्थ चैटर्जी एंड कंपनी ने रिश्वत लेकर करीब 500 लोगों को नौकरी दी। इस गड़बड़ी को लेकर खूब हल्ला हंगामा हुआ, प्रदर्शन हुए, लेकिन पावरफुल मिनिस्टर के सामने सब बेकार गया। अब ईडी की जांच में करप्शन की ऐसी कहानी देश के सामने है जिसे देखकर सब हैरान हैं। सदी के सबसे बड़े कैश कांड ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। इसी के साथ कट मनी को लेकर पुराने आरोप भी फिर से ताजा हो गए। अकूत भ्रष्टाचार, सोती रही ममता सरकार। पश्चिम बंगाल के शिक्षा विभाग में सालों साल करप्शन की दीमक बनती रही। लोग कहते हैं महिलाओं के लिए ही टीवी सीरियल बनाई जाती है, आप उसे बदल दो। सफल महिलाओं से सफलता का पाठ पढ़िए। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ममता सरकार का ताकतवर मंत्री अपने करप्ट सिस्टम के जरिए नौकरी की आस लगाए नौजवानों को लूटता रहा। मंत्री के करीबियों ने पैसे लेकर ऐसे लोगों को नौकरियां बांटी जो मेरिट में काफी नीचे थे। मेरिट वाले उम्मीदवार रोते रहे, चिल्लाते रहे, भागते रहे, सरकार के हर दरवाजे पर अपनी बात सुनाने की कोशिश करते रहे, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। घोटाले की शुरुआत साल 2014 में, लेकिन 8 साल तक ममता बनर्जी सरकार कोई एक्शन नहीं लिया। ममता सरकार को इतने बड़े घोटाले का सालों साल तक पता क्यों नहीं चला? उम्मीदवार घोटाले के आरोप लगाते रहे, ममता सरकार ने सुनवाई क्यों नहीं? करप्शन पर एक्शन की बात कहने वाली ममता पार्ट पर चुप क्यों रही? क्या ममता ने सरकार में नंबर दो की हैसियत रखने वाले पार्ट के घोटालों को नजरअंदाज किया? पार्थ चटर्जी के घोटाले की फाइल कभी नहीं खुल पाई, लेकिन शिक्षक भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी का मामला कोलकाता हाईकोर्ट पहुंचा। मामले की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश कर दी। इसी मामले में ईडी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पार्थ और उनके करीबियों पर छापेमारी शुरू, नोटों की गड्डियां निकलने लगी। करप्शन का कैश पार्थ चटर्जी की पोल खोल रहा था, लेकिन ममता बनर्जी ने चुप्पी साधी हुई। बंगाल के विपक्षी दलों ने पार्थ के भ्रष्टाचार को मुद्दा बना लिया, सड़कों पर प्रदर्शन होने लगे। पार्थ को लेकर सीधे सीधे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से सवाल पूछे जाने लगे। नारा देते थे, आज अखंड रूप से वो एक ही आवाज निकाल रहे हैं, माया माया माया, मनी मनी मनी। और इस डीएम के अलावा उनके पास पार्थ के काले कारनामों पर ममता बनर्जी ने कल पहली बार बयान दिया। ममता ने कहा अगर कोई गलती करेगा तो कार्रवाई तो होगी। बाबाई साधु एक कथा भी बोलते पारबो ना, साधुर मध्येও ভূত আছে, সবাই 100% কারেক্ট কাজ করবে এটাও আমি বলতে পারবো না। তো আমি চাই উইদিন দ্য টাইম ফ্রেম সত্যির বিচার হোক। সত্যিটা যদি কেউ দোষী প্রমাণিত হয় ताके जाबोत जुबोन कारा डंडो दिलो, I don't mind। ममता का बयान आने तक पार्थ चटर्जी के ब्लैक बैंक ऑफ बंगाल का मीटर 21 करोड़ के आसपास था, लेकिन आज सुबह करप्शन के कलंक कथा का पार्ट टू भी सामने आया। पार्थ की करीबी अर्पिता के दूसरे फ्लैट से 27 करोड़ 90 लाख की रकम बरामद, तो अब यह आंकड़ा 50 करोड़ के पार पहुंच गया। टीएमसी के अंदर से भी पार्थ चटर्जी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठने लगी। टीएमसी महासचिव कुमार घोष ने ट्वीट करके पार्थ को पार्टी से हटाने की मांग कर। इसी के बाद ममता बनर्जी ने पार्थ चटर्जी को मंत्री पद से हटाने का संवाद सुना था। पार्टी के सभी पदों से भी छुट्टी कर दी। এই পাঁচটি পদ থেকে তাকে অপসারিত করা হচ্ছে এবং যতদিন তদন্ত চলবে দলের তরফ থেকে তাকে সাসপেন্ড করা হবে। इस घोटाले के बाद एक बार फिर ममता सरकार और टीएमसी पर कट मनी को लेकर आरोप जिंदा हो चुके हैं। कई आरोप जिनका शोध पिछले साल विधानसभा चुनाव के कैंपेन में सुनाई दिया था। पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक ने टीएमसी के नेताओं पर कट मनी के संगीत इल्जाम लगाए थे। अभी पार्थ चटर्जी का कच्चा चिट्ठा खुलना शुरू हुआ। बंगाल के शिक्षा विभाग के करप्शन के चैप्टर धीरे धीरे ही सही मगर खुलते जा रहे हैं। ऐसे में ममता बनर्जी ने भले ही पार्थ को हटा दिया, लेकिन करप्शन के दाग से दामा छुड़ाना आसान नहीं होगा, क्योंकि बंगाल के सबसे बड़े कैश कांड में ममता बनर्जी के नंबर दो की हैसियत रखने वाले नेता फंसे।
लोग कहते हैं महिलाओं के लिए ही टीवी सीरियल बनाई जाती है, आप उसे बदल दो। सफल महिलाओं से सफलता का पाठ पढ़िए। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।